हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन आपका फिर से वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड वे देखे पे। जी हाँ फ्रेंड, कल गोल्ड और सिल्वर ने एक क्रैश किया और बहुत तेजी से प्राइस जो है वो ड्रॉप हुई। फ्रेंड कई लोग इसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाए, कई लोग इसको जज नहीं कर पाए, लोगों के नुकसान भी हुए फ्रेंड, वेदर यू आर ट्रेडिंग इन फिजिकल मार्केट और यू आर ट्रेडिंग इन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स। तो ये क्यों हुआ और अब इसके आगे गोल्ड की मूव क्या है फ्रेंड, ये समझने के लिए ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको लगता है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। और गोल्ड का नेक्स्ट मूव क्या होगा, मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। जैसा कि देखा फ्रेंड कि गोल्ड ने बहुत बड़ा क्रैश किया, बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड में गया, तो क्या रीजन रहा इसका? तो इसके कुछ रीजंस हैं, हो सकता है जिन आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता भी चला होगा। जैसे इसका पहला रीजन है फ्रेंड कि गोल्ड जो मेजर क्रैश किया है, आप द टाइम इकोनॉमिक टाइम्स देख रहे हैं और इसकी जो हेडलाइन है ये आपको क्लियर कर सकती है कि चाइना पुल्स प्लग्स ऑन बाइंग येलो मेटल। चाइना जो पिछले 18 महीनों से गोल्ड को लगातार बाय कर रहा था, उसने अपनी ऑर्डर को रोक दिया है। और क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा चल रही थी गोल्ड की और डिमांड एकदम कम हो गई फ्रेंड, तो जिसकी वजह से गोल्ड जो है वो ₹1200 पर 10 ग्राम्स और सिल्वर जो है वो ₹3300 पर केजी ड्रॉप हुआ है। अगर हम इसे कंपेयर करते हैं यूनाइटेड स्टेट डॉलर के साथ फ्रेंड, तो देखिए गोल्ड गिरने का सबसे मेजर जो कारण रहा है वो fxstreet.com भी ये बताता है कि गोल्ड प्राइस वॉज शार्पली डाउन ड्यूरिंग यूरोपियन ट्रेडिंग्स ऑन फ्राइडे एज न्यूज द चाइना सेंट्रल बैंक पॉज्ड गोल्ड परचेस लास्ट मंथ आफ्टर बाइंग येलो मेटल फॉर 18 स्ट्रेट मंथ। तो पिछले 18 महीनों से लगातार खरीदने के बाद चाइना ने गोल्ड की ऑर्डर को बाय करने से रोक दिया है और इसकी वजह से गोल्ड जो है फ्रेंड वो बहुत तेजी से नीचे गिरा है। अब ये चाइना की ऑर्डर से गोल्ड गिरा है ये तो चलो एक न्यूज थी फ्रेंड, लेकिन इसमें बोलते ना आग में घी का काम करना, ये काम किया है कल एनएफपी की रिपोर्ट ने। जी हाँ फ्रेंड, कल आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर में नॉन फार्म पेरोल की रिपोर्ट थी और कल के बहुत सारी वेबसाइट की एनालिसिस ये कह रही थी कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर वीक होगा, बट ये रिपोर्ट पॉजिटिव आई, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा नौकरियां लोगों को मिली हैं, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट डॉलर स्ट्रांग हुआ और गोल्ड और भी बियरिश जाता हुआ आपको दिखाई दिया। तो ये कुछ रीजन है फ्रेंड जिसकी वजह से गोल्ड बियरिश जाता हुआ दिखाई दिया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या गोल्ड और नीचे जाएगा, क्या इसकी प्राइस और ड्रॉप होगी? तो मैं आपको इसके लिए कुछ कंक्लूजन बताऊंगा फ्रेंड। जैसे हम ट्रेडिंग स्टर पे जाते हैं और COT रिपोर्ट अगर चेक करते हैं, कॉट रिपोर्ट, तो ये कॉट रिपोर्ट आप देखिए आपके स्क्रीन पे डेट दे रखी है, ये 6th जून की रिपोर्ट है, यानी कि ये लेटेस्ट रिपोर्ट है फ्रेंड। और ये रिपोर्ट में अगर आप अभी भी देख रहे हो तो नॉन कमर्शियल जो है, जो हमारी तरह ही ट्रेडिंग करते हैं फ्रेंड, इन्होंने लॉन्ग की पोजीशन में अभी 2,84,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बना रखे हैं और शॉर्ट में 47,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि अभी भी नॉन कमर्शियल ये जो बड़े ट्रेडर हैं फ्रेंड, ये 3 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट बाइंग के लेके बैठे हैं और सेलिंग में 47,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं। अगर हम देखते कॉन्ट्रैक्ट चेंज कितने हुए, तो 2,171
बाइंग के माइनस में है तो सेलिंग के उससे ज्यादा माइनस है, 2888 माइनस है फ्रेंड। तो इसका ये मतलब निकलता है कि गोल्ड के बुलिश जाने के चांसेस 63.6% है और बियरिश जाने के चांसेस इसके 10.6% है। तो यानी कि अभी भी गोल्ड जो है फ्रेंड वो बुलिश जाने की प्रोबेबिलिटी बना सकता है। तो ये जो क्रैश हुआ क्या ये शॉर्ट टर्म क्रैश था? क्या ये क्रैश केवल चाइना और एनएफपी के साइड इफेक्ट की वजह से हुआ? तो जो भी हुआ फ्रेंड, बट अब सवाल ये आता है कि हम तो ट्रेडर हैं, हमें क्या करना चाहिए? हो सकता है किसी की बाइंग में ट्रेड अटक गई हो या किसी की ट्रेड अब जो है सेलिंग साइड में ले चुका हो, तो उन ट्रेडर्स ने क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड अब मेरी रिपोर्ट क्या कहती है, मेरा जो नॉलेज है, मेरी जो एनालिसिस है फ्रेंड, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके हिसाब से मैं आपको गोल्ड का अगर वीकली टाइम फ्रेम दिखाऊं तो आप वीकली टाइम फ्रेम में बिल्कुल यहां पे क्लियरली देख सकते हैं कि यहां पे आरएसआई आपको एक बियरिश डाइवर्जेंस बता रहा है। इसका मतलब है गोल्ड को सेल में जाना चाहिए क्योंकि बियरिश डाइवर्जेंस है। दूसरी चीज अगर आप यहां पे गौर से देखोगे तो गोल्ड के लिए जो एक सोफेस्टिकेटेड सपोर्ट लेवल है वो समवेयर आप यहां पे देखेगा फ्रेंड, कैंडल की जो क्लोजिंग है वो इस पॉइंट से नीचे नहीं बनी है, यानी कि 23.0102 से नीचे वीकली टाइम फ्रेम पे पिछले कुछ हफ्तों में गोल्ड ने क्लोजिंग नहीं दी है, लेकिन कल 7 जून को गोल्ड ने 23 का लेवल ब्रेक किया और ये 22.86 तक के लेवल पे गई और लास्ट में 23.94 पे इसकी वीकली कैंडल जो है फ्रेंड वो क्लोज हो चुकी है। यानी कि इसने अपने पिछले कई हफ्तों के सपोर्ट्स को ब्रेक कर दिया है जिसकी वजह से अब गोल्ड के अंदर सेलिंग प्रेशर को फील किया जा सकता है। तो देखिए मैंने आपको दो रीजन बताया फ्रेंड कि गोल्ड अभी बेयरिश हो सकता है अकॉर्डिंग टू वीकली टाइम फ्रेम। तीसरा अगर मैं आपको रीजन बताऊं तो यू कैन सी इट हियर, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक FVG लेवल है और ये लेवल है फ्रेंड 2220 से लेके 2279 के बीच में। तो अगर गोल्ड बियरिश होगा भी तो ये 2220 से लेकर 2279 के बीच में जो फेयर वैल्यू गैप है इसकी जो कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट का लेवल आता है वो 2250 के आसपास आता है और यहां तक इसके गिरने के चांसेस बन सकते हैं। 2247 से लेकर 2250 तक इसका अभी बियरिश मोमेंट आपको देखने को मिल सकता है। अगर मैं आपको फ्रेंड वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने तीनों एनालिसिस बता दी कि मुझे तो लगता है कि गोल्ड अभी और शॉर्ट टर्म में ये बियरिश होगा, मैं आपको अगर डेली टाइम फ्रेम पे ले आऊं तो आप डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ बहुत क्लियरली देख रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस एक्शन बना हुआ है, यानी कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। और आपको पता है कि जब राइट शोल्डर बनता है तो इसका मतलब होता है लॉस ऑफ मोमेंटम फ्रॉम द अप ट्रेंड। तो यहाँ पे अप ट्रेंड का मोमेंटम लॉस हो रहा है और हेड एंड शोल्डर मतलब मार्केट सेल में जाएगा। दूसरी अगर आप यहाँ पे एनालिसिस देखें फ्रेंड तो ICT का एक कंसेप्ट है जिसे कहते हैं TT3 या हम उसे TAP3 भी कहते हैं। तो आप अगर देखोगे तो TT3 के अंतर्गत ये देखा जाता है कि ये जो लेफ्ट शोल्डर हेड है और राइट शोल्डर है तीनों ही जगह आप देखोगे फ्रेंड तो बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं और अगर ऐसा बनता है तो फिर TT3 के अंतर्गत ICT का ये कंसेप्ट है जिसमें इसे सेलिंग में जाना पड़ सकता है। प्रॉफिट बनाना आता है आपको, 2 दिन प्रॉफिट होते हैं, 3 दिन लॉस हो जाते हैं, तो डू यू नो फ्रेंड क्या कॉज है? कॉज है कि आपके पास स्ट्रैटेजी तो है बट वो स्ट्रैटेजी परफेक्ट नहीं है। सो ट्रेड भी देखें 25 डिफरेंट फॉर्मूले के साथ एक पावर पैक प्रोग्राम देने जा रहा है फ्रेंड, जिसे हम SMC एंड ICT के नाम से जानते हैं। इसी महीने के 17 जून रात 8 से 9 बजे 22 डेज का ये पावर पैक SMC और ICT का जो कोर्स है फ्रेंड, ये कोर्स आपको 25 फॉर्मूले के साथ दिया जाने वाला है और इस कोर्स की गारंटी है फ्रेंड, आप इस कोर्स को करने के बाद मार्केट की हर मूव को कैप्चर करेंगे और आप एक दिन नहीं फ्रेंड, एक हफ्ते नहीं, एक महीने नहीं, आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाते जाएंगे। ये मेरा दावा है फ्रेंड। तो मैं आप सभी को इनवाइट करता हूं SMC एंड ICT बैच नंबर 4 में इसी महीने 17 जून से। अब अगर हम बात करते हैं फ्रेंड कि अगर ये सेलिंग में जाता है तो यहां पे एक लेवल है 2277 का। मैंने गोल्ड के पिछले वीडियो में भी बताया था कि गोल्ड
पहले बुलिश जाएगा और वो बुलिश गया था, वहां से वो बेरिश आएगा और उसमें मैंने दो लेवल बताए थे 2300 और 2278। तो अभी भी मेरा यही कहना है फ्रेंड कि गोल्ड जो है वो 2277 का जो लेवल है ये सेल साइड लिक्विडिटी का लेवल है और इसके नीचे एक बार ये जरूर जाएगा और फिर ये सेल साइड लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद माइट भी बुलिश हो सकता है। लेकिन अभी गोल्ड जो है वो 2294 पे है और मेरा मानना है कि ये अभी और सेलिंग में जाएगा और मिनिमम ये 2277-78 का लेवल जो है उसे ब्रेक करेगा और उसके बाद फिर ये बुलिश जाने के चांसेस बन सकते हैं। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन के अकॉर्डिंगली, तो यहाँ देखिए अब जो लास्ट डिमांड जोन था वो यहाँ पे था और इसके हिसाब से अगर हम देखें तो फिबोनाची के जो लेवल होते हैं फ्रेंड 61.8% का लेवल आ रहा है 2263 पे, यानी कि 2263 पे ये इसका सपोर्ट लेवल है। और ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री की बात करें तो 2237 का भी एक लेवल है जहां से इसके मेजर बुलिश जाने के चांसेस बनते हैं। तो मैं फिर से कह रहा हूं फ्रेंड, गोल्ड अभी आपको नेक्स्ट वीक में ये बियरिश मिलेगा और नीचे की तरफ ये उसके कुछ लेवल्स बनते चले जा रहे हैं। तो देखिए हमने डेली टाइम फ्रेम को भी चेक किया और उसके अकॉर्डिंगली अभी जो मोमेंटम है वो सेलिंग का दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको ले आता हूं फ्रेंड 4 आवरली टाइम फ्रेम पे, और अगर हम 4 आवरली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा आरएसआई से पूछें तो आरएसआई देखिए अभी ओवरसोल्ड जोन में अभी जाने वाली है, अभी इसने 30 के लेवल को टच नहीं किया है, यानी नीचे की तरफ अभी भी थोड़ा सा स्पेस बाकी है। गोल्ड पहले सेलिंग में जाएगा, ओवरसोल्ड होगा और ओवरसोल्ड के बाद फिर ये अपने रेंज में लौट कर आने के चांसेस हैं। तो अब सवाल ये आता है कि अगर ये ओवरसोल्ड होता है, यानी कि 2277 का लेवल अगर ये ब्रेक करता है, तो फिर ये वापस रेंज में कहां से लौट कर आएगा? तो मैं आपको चार्ट पे थोड़ा पीछे ले चलता हूं फ्रेंड, और पीछे से हमें पता चलेगा कि ये कहां से लेवल वापस से रिकवरी दे सकता है। तो यू कैन सी इट हियर, यहां पे एक मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बना रहा था और एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक यहां पे रखा हुआ है। तो ये जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है ये 2268 से लेकर 2282 के बीच में है, एंड यू कैन सी इट हियर, इसी बुलिश ऑर्डर से पहले भी मार्केट ने ट्रेड ली थी और अब उसी बुलिश ऑर्डर पे फिर मार्केट पार्किंग कर सकता है। तो 4 घंटे का चार्ट यही बता रहा है फ्रेंड कि ये अभी बेयरिश होगा और फिर नीचे से आकर ये एक बाय साइड के जोन में एंट्री कर सकता है। अगर मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी ले चलूं तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भी आप देखोगे फ्रेंड कि आरएसआई इंडिकेटर जो है वो ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में है और यहां से एक बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो चुका है। देखिए आरएसआई को जब हम कनेक्ट कर रहे हैं तो वो फ्लैट लाइन ड्रॉ कर रहा है और कैंडल देखिए अभी भी लोअर लो बना रहा है, यानी कि आरएसआई ने आपको पहले ही प्रेडिक्शन दे दिया है कि मार्केट जो है वो यहां से बुलिश होने के चांसेस बनते हैं। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन मेरे तरफ से निकल कर आता है फ्रेंड, आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए, मेरे स्क्रीन पे मैं आपको वो सारे पॉइंट्स यहां पे बता रहा हूं। मंडे यानी कि जब 11th ऑफ जून को मार्केट ओपन होगा, नॉट 10th ऑफ जून को जब मार्केट ओपन होगा फ्रेंड, तो ये पहले बियरिश आपको दिखाई देगा गोल्ड, और नीचे की तरफ इसके जो लेवल्स हैं वो है 2277 का लेवल जाएगा। 2277 के बाद मार्केट आपको बुलिश होता हुआ दिखाई देगा और ऊपर की तरफ इसके लेवल है 2300 का। 2300 रेसिस्टेंस अगर ब्रेक हुआ तो 2345 है, उसके बाद 2355 है, और अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं फ्रेंड तो 2370 से 2386 का लेवल मिलेगा। और अगर गोल्ड ने अपने मोमेंटम को सेलिंग में ही कंटिन्यू रखा तो 2277 के बाद 2265 है और 2230 है। ये 2230 का लेवल मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि डाउन साइड में ये लेवल बन सकते हैं। तो मेरा ये मानना है फ्रेंड, कंक्लूजन है कि गोल्ड पहले अभी मंडे जब ओपन करेगा 10 जून को, तो ये पहले सेल में जाएगा और 2277-2278 को ये टच करेगा, वहां से हो सकता है ये और 2-4-5 डॉलर नीचे लिक्विडिटी ग्रैब करे, फिर ये अप ट्रेंड में जाएगा 2300 और 2345 के लेवल पे जाएगा। 4547 से एक सप्लाई जोन बन रहा है और वहां से फिर ये बियरिश जाने के चांसेस है फ्रेंड। और ओवरऑल अगर हम कॉट रिपोर्ट को ध्यान में रखें, मार्केट को ध्यान में रखें,
तो गोल्ड का जो लॉन्ग टर्म है वो अभी भी बुलिश है, ये शॉर्ट टर्म रिजेक्शन ले रहा है। तो अब लास्ट हाइलाइटेड पॉइंट मैं आपको बता दूं फ्रेंड, लास्ट हाइलाइटेड पॉइंट ये है कि गोल्ड आपको एक बाय की अपॉर्चुनिटी देने वाला है, बहुत अच्छी बाय देगा। आपको याद है 1984 से जब गोल्ड ने बाय की ट्रेड दी थी और वहां से 2450 तक गया था, तो उस वीडियो में भी हमने बताया था कि 1984 से ये बुलिश जाएगा और आपको बाय करनी चाहिए। आज मैं फिर बता रहा हूं फ्रेंड, आपको बाय साइड की ट्रेड एंटर लेने के लिए जो सबसे बेस्ट मौका है वो मौका है 2277 पे, एक छोटी ट्रेड कर सकते हैं, और 2230 पे आप एक बड़ी ट्रेड कर सकते हैं बाइंग साइड में। तो होप सो फ्रेंड, ये वीडियो आपको गाइड कर रहा होगा, आपको हेल्प कर रहा होगा, और आपको लगता है कि ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, और चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हर हफ्ते 8 से 10 वीडियोस हम आपके लिए भेजते रहते हैं जिसमें आपको इस तरीके के नॉलेज प्रोवाइड किए जाते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद है फ्रेंड मेरे साथ बने रहने के लिए। होप सो आप सभी बहुत अच्छी ट्रेडिंग करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।